इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बिचोली हप्सी में बुधवार सुबह एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। ये लाश बड़वानी के रहने वाले 44 वर्षीय भगवती बाई पति आशाराम मेवाड़े की थी। जानकारी के अनुसार महिला इंदौर में अपने बच्चों को बगैर बताए बीते 2 महीनों से अलग रह रही थी और हाल ही में उसने विराटनगर इलाके में स्थित किराए के कमरे को खाली किया था। इसके बाद वो 2 दिन पहले मूसाखेड़ इलाके के एक मकान में रहने लगी। इसके बाद अचानक उसका शव मिला, जिसकी प्रारंभिक तफ्तीश में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस महिला के बेटों पर शक जता रही है। इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस चंद घंटों में महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अवैध संबंध के चलते महिला को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कनाडिया की घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसके बाद जब कड़ी जोड़ी तो मामला सीधे महिला के नए किराए के घर तक पहुंचा, जिसके मकान मालिक दिनेश पिता हरप्रसाद मिश्रा ने से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल दिनेश मिश्रा से महिला के अवैध शारीरिक संबंध बन गए थे और इसके बाद ही महिला शादी के दबाव और खर्चा उठाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसे में समाज में बेइज्जती होने के डर से दिनेश मिश्रा ने आखिर महिला की हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने अपने जनेऊ से पहले महिला का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसे लपेटकर बिचोली हप्सी के खेत में ले गया, जहां उसने उसके सिर और मुंह पर चोट पहुंचाई ताकि उसकी पहचान ना हो सके। हालांकि पुलिस को मौके से महिला का पहचान पत्र मिल गया था, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से जांच शुरू कर दी थी। आखिर में नया मकान मालिक आरोपी निकला। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी दिनेश मिश्रा की पत्नी की मौत कोरोना के कारण हो गई थी, उसकी 3 बेटियां भी है। ऐसे में महिला द्वारा बनाए जा रहे दबाव को वो सहन नहीं कर पाया और उसने हत्या कर दी। इंदौर DCP जोन 2 आशुतोष बागरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस हत्या से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल इंदौर में एक बार फिर अंधे कत्ल का खुलासा कुछ घंटों में ही हो गया, जिसकी वजह से वो तीसरी आंख है जो हर चौक चौराहों को कवर कर अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की मदद कर रही है। कल कनाडिया थाना क्षेत्र में एक बिचोली हप्सी गांव है, वहां पे करीब 44 साल की एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और इसमें जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिल रहे थे उसमें चोट के निशान थे उनमें और ये संदेह था कि उनकी जो है हत्या की गई है और हत्या करके यहाँ फेंका गया है। पास में ही सामान पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उसमें सर्चिंग करी तो उनका जो आई कार्ड है, आई कार्ड पुलिस को मिल गया, उसमें महिला की पहचान जो है हुई और वो बड़वानी की रहने वाली है। यहाँ पे 1-2 महीना पहले ही इंदौर आई थी किसी काम के सिलसिले में और यहाँ पे किराए पे मकान लेकर के वो रहती थी। इसके बाद जो है किराए का मकान इन्होंने छोड़ दिया और कुछ समय यहाँ वहाँ रही और इसके बाद जो है इनकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली। तो पुलिस को एक संदेह था क्योंकि इस महिला की जो है बच्चों से बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, तो ऐसा एक आशंका लग रही थी कि हो सकता है इन्हीं के बच्चों की भूमिका हो। इसके बाद पुलिस ने पूरा रूट के करीब 100-200 कैमरे जो है CCTV कैमरे पुलिस ने तलाशे, इसका पूरा रूट क्लियर किया कि ये जो है यहाँ पे जो फेंकने वाला है, जो गाड़ी आई है वो किस दिशा में आई है, कहाँ से आई है। और जब इसका रूट हम लोग ट्रैक किया हम लोगों ने, तो ट्रैक करने के बाद पता चला कि एक मूसाखेड़ी में एक दुकान है, वहाँ से एक महिला को एक आदमी उठा रहा है और उसके साथ में उसका सामान गाड़ी में रख रहा है। बाद में जब उससे पूछताछ करी और इसमें तो उसने तो पहले तो बहुत गुमराह किया पुलिस को, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि उसी ने मारा है। जो इसमें मारने वाला है, आरोपी है, वो दिनेश मिश्रा नाम है उसका और यहाँ मूसाखेड़ी चौराहे में ही जो है उसकी रेती की गिट्टी की दुकान थी। और इसकी जो वजह सामने आई, वजह ये थी कि इस महिला के जो है उस व्यक्ति के साथ में संबंध थे और ये महिला जो है उसको दबाव दे रही थी कि मुझसे जो है शादी करो और मेरा खर्चा उठाओ। और इसलिए जो है इसके जो मारने वाला है, इसमें आरोपी है, इसका भी जो है इसकी पत्नी का देहांत कोरोना में हो चुका था, 3 बेटियां हैं इसकी, तो इसने जो है कि इसका इज्जत ख़राब होगी, इसके लिए उसने इस महिला की अपने जनेऊ से जो है इसका गला घोटा और घूट करके इसकी हत्या की। सर जो है गला उसका घोटा, इसके बाद जो है इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया और इसके बाद जब उसको डर गया तो ले जा करके सुनसान इलाके में उसने फेंक दिया। सर जो गालों पर निशान थे वो चाकू के लग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो चाकू के निशान नहीं है, चाकू के निशान नहीं है वो। बाकी अभी हम लोगों ने मौके पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलवा लिया था, उसका वो भी है, तो आगे विवेचना का उसमें पार्ट है, उससे पुलिस अभी डिटेल पूछताछ करेगी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आएंगी। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसमें जो मरने वाला, ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था क्योंकि इसके संबंध हुए थे इस महिला के साथ में और ये जो है महिला इसको ब्लैकमेल कर रही थी।